अस्सलामुअलैकुम अलीजा के किचन में वेलकम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो पसंद आती होगी जो मैं बनाती हूँ। आप एक बार ट्राई करेंगे तो ज़रूर आपको अच्छी लगेगी इंशाल्लाह ताला। और जिसको मेरी वीडियो सबसे पहले देखनी है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, क्लिक करें उसे, ताकि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। तो जी आज मैंने अलीसा के किचन में सोच रही थी क्या बनाऊं, तो आज मैंने सोचा क्यों ना मैं आज चिकन शामी कबाब बनाऊं। जो कि चिकन के कबाब अमूमा बहुत फीके और इस टाइप के होते हैं, जो लोग बहुत कम लोगों को पसंद आते हैं। असल तो सब ज़्यादातर लोग बीफ़ के कबाबों को प्रेफर करते हैं, बट आप ये चिकन के जो मेरे स्टाइल में अगर आप बनाएंगे, ये सारे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, तो यकीनन आपको बहुत ही पसंद आएंगे, अच्छे लगेंगे। और कोई भी ये नहीं कह सकेगा उसका टेस्ट ऐसा होगा कि ये नहीं कह सकेगा ये चिकन के ना, ऐसा लगेगा आपको कि ये आप बीफ के ही आपने बनाए। तो चले जी शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता दूं कि उसमें क्या क्या डालेगा। सबसे पहले तो मैंने ये चिकन ले ली, इसमें मैंने ये वाला सॉफ्ट वाला जो ब्राउन वाला जो बताती हूँ मैं आपको, ये भी लिया है। और ये पूरा एक बोनलेस का था, ये मैंने कट कर लिए इतने इस टाइप के छोटे, और ये हड्डी के साथ भी मैंने डाल दिया, इससे इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आ जाएगा। थोड़ा हड्डी करूँगा और ये सॉफ्ट होता है तो इससे चिकन कबाब अच्छे ड्राई टाइप के नहीं होते। तो इसके लिए सबसे पहले ये ड्राई मसाले हैं, मैं आपको इसका बता दूँ। ये मैंने एक टेबल स्पून ब्लैक पेपर लिया है, एक टेबल स्पून मैंने धनिया साबुत धनिया लिया है। ये छोटे थे तो मैंने तकरीबन दो ये लीफ लिए हैं बे लीफ। ये मैंने बड़ी इलायची तीन ली है, अगर सॉरी चार ली है, अगर ये बड़ी हो तो दो काफ़ी आपके लिए। ये सिनेमन स्टिक जो है दालचीनी, ये भी छोटी थी, बड़ी हो तो दो, वरना ये मैंने चार इंच। ये मैंने लौंग जो ली है, ये मैंने ली है तकरीबन पाँच से छः, ठीक है। अच्छा जी, और जो इसमें आखिर में मैंने ये पीस करी, मेरे पास होता है जायफल और जावित्री का पाउडर, तो ये मैंने क्वार्टर टी स्पून ले लिया। इससे आपका वो जायका बहुत, वो खुशबू बहुत अच्छी आती है और टेस्ट और बढ़ा हो जाएगा। इन सारे मसालों को हम पीस लेंगे, पीस के डालेंगे, साबित भी डालते हैं जो, लेकिन फिर वो मुंह में बहुत आते हैं तो वो आपको इरीटेट करेंगे। तो इसको मैं सब मसालों को पीस लूँगी। और ये जो मसाले जाएंगे सारे, ये है साबित लाल मिर्च मैंने 15 से 20 ली है, 1.5 टीस्पून नमक लिया है, 1/4 टीस्पून हल्दी ली है, इससे उसका कलर अच्छा आएगा। ये ब्लैक ज़ीरा है ये, तो ये मैंने 1 टीस्पून लिया है, और वाइट ज़ीरा जो है 2 टीस्पून लिया है, यानी 1 टेबल स्पून के बराबर। अच्छा जी, अब जो मैंने इसमें एक आलू बड़ा लिया है उसके पीसेस कर लिए हैं, एक प्याज दरमियानी साइज़ के लिए उसके सब पीसेस कर लिए हैं, 7-8 जगह लहसुन के लिए हैं, एक छोटी सी 5 इंच अदरक थी उसको इसी तरीके से मैंने कट कर लिया। ये रही दाल, 1 कप दाल। अच्छा, ये सब जब मसाला चिकन में बन जाते पक जाएगा, 1, 2, 3, 4 चिकन में बन के पक जाएगा, जब बन जाएगा तो उसमें फिर हम सारे ये मसाले, पुदीना मैंने 1/2 टेबल स्पून यानी 1/2 आप मुट्ठी से यूँ लें, ये 1/2, और यही मैंने हरा धनिया लिया है, एक इसका लेमन जूस निकालूंगी मैं ये, और मैंने 1 इंच की अदरक को मैंने बारीक बारीक काट लिया है, और हरी मिर्च 2 छोटी हरी मिर्चें हैं और 1 बड़ी हरी मिर्च को मैंने काट दिया। ये सब मसाला जब कबाब मसाला बन जाएगा तो जब उसमें डाल, ठीक है। चलिए, पानी मैंने लिया है 2 कप, ये मैं सबसे पहले इसमें पानी डालूंगी। इसका चूल्हा मैं जला दूँगी, साइज को रखूँगी, दरमियानी आँच को रखूँगी, मीडियम लो हाई पर, ठीक
देते हैं। पानी को बॉयल आ गया, तब तक हम ये मसाला जो है सा पीस लेंगे ताकि इसका चले जाए। ये इसका मसाला पीस गया है, ये अब मैं इसमें सबसे पहले डालूंगी चिकन। मैं ये डाल दूँगी दाल, चिकन का शामी कबाब हो या रेशा कबाब, जो भी कबाब हो आप बना कर इसको अच्छी तरीके से स्टॉक भी कर सकते हैं फ्रीज़र में। इसको बना के इसकी टिकिया, बस अंडा नहीं डालना, डालें तो फ्राई के लिए और स्टॉक को इसकी टिकिया बना के आप इसको एक एक प्लेट में अलग अलग करके रख दें। जब वो फ्रीज हो जाए तो फिर उसको सब फिर निकाल के जिप लॉक टाइप में रख के आराम से इंजॉय कर। चूल्हा जल रहा है, इसको गर्म फिर उसमें मसाला चले जी इसमें आया है, इसमें इसमें लहसुन प्याज डालूंगी, इसमें मसाला